त्रिवेणी महिला मंडल ऊटपुर के भवन निर्माण को देंगे समुचित धनराशि। प्रकाश राणा। उपमंडल के त्रिवेणी महिला मंडल ऊटपुर के प्रतिनिधि मंडल ने विधायक से आज मुलाकात की तथा गतिविधियां चलाने के लिए की गुहार। जोगिंदर नगर के विधायक प्रकाश राणा ने कहा कि त्रिवेणी महिला मंडल ऊटपुर के भवन निर्माण के लिए समुचित धनराशि मुहैया करवाई जाएगी। उन्होंने महिला मंडल प्रतिनिधियों से महिला मंडल के नाम जमीन उपलब्ध करवाने का आग्रह किया ताकि भवन निर्माण को जल्द से जल्द धनराशि उपलब्ध करवाई जा सके। प्रकाश राणा आज उनके निवास स्थान गोलवा में त्रिवेणी महिला मंडल की प्रधान पवना देवी की अगुवाई में मिलने पहुंचे प्रतिनिधि मंडल से बातचीत कर रहे थे। इस मौके पर प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा की सदस्य रीमा राणा भी विशेष तौर पर उपस्थित रही। उन्होंने ऊटपुर पंचायत के अंतर्गत नवगठित त्रिवेणी महिला मंडल ऊटपुर को बधाई दी तथा कहा कि लठभड़ोल तहसील के अंतर्गत संभवतः अब तक का गठित सबसे बड़ा महिला मंडल है जिसमें वर्तमान में 74 सदस्य हैं। उन्होंने महिला मंडल से अपनी सदस्यता को आने वाले समय में 100 तक करने का भी आह्वान किया। साथ ही कहा कि महिला मंडल भवन निर्माण के लिए उनके पास धन की कोई कमी नहीं है तथा जमीन उपलब्ध हो जाने पर भवन निर्माण को धनराशि मुहैया करवा दी जाएगी। विधायक प्रकाश राणा ने नवगठित त्रिवेणी महिला मंडल को अपनी गतिविधियां चलाने के लिए 25,000 रुपए देने की घोषणा भी की। महिला मंडल की प्रधान पवना देवी ने विधायक प्रकाश राणा द्वारा प्रारंभिक तौर पर 25,000 रुपए देने के लिए धन्यवाद किया तथा कहा कि जल्द ही महिला मंडल के नाम जमीन उपलब्ध करवा दी जाएगी। महिला मंडल जो है लड़लाके का होगा और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप सब मिलजुल कर ये 75 है तो उसको 100 करें, लेकिन 75 से 60 ना करें। आप सबका मिलजुल कर एक इस महिला मंडल को चलाएं और हमारा पूरा सहयोग आपको रहेगा, ये मैं आपको विश्वास। जोगिंदर नगर से कैलाश की रिपोर्ट।